कल 10 वर्षों से पुराने डबल विदेशी भाई बहनों की सेरेमनी मनाई गई। जिन्होंने सेरेमनी मनाई तो ऐसी सेरेमनी मनाई ना, होली मनाई ना, बाप दादा भी हर न्यारे और प्यारे दृश्य देख हर्षित होते हैं। सारा परिवार भी खुश होते हैं। अपना फोटो अच्छी तरह से देखा, अच्छा लगा ना? सिर्फ फेस देखा, वो मन की स्थिति भी देखी। इस आईने में तो शक्ल देखी, बहुत अच्छा अच्छा किया, लेकिन नॉलेज की आईने में अपनी स्थिति भी देखी। अच्छा है बाप दादा भी 10-15 वर्ष नहीं देखते, लेकिन इतना समय चलते रहे हैं, अविनाशी रहे हैं, अमर रहे हैं, इसको देख करके खुश होते हैं। कमाल तो की है, कल्चर बदला, देश बदला, रस्म रिवाज बदले, संस्कार डबल फॉरनर्स के बदले, भारतवासी हो गए। अभी क्या कहेंगे, मधुबन निवासी हो या अमेरिका लंदन, कहाँ के हो? मधुबन के हो? मधुबन निवासी, जवाब दिया। अमेरिका रशिया याद नहीं है? बाबा ने पूछा हम सबसे। मधुबन आपकी परमानेंट एड्रेस है, और अमेरिका, रशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कितने नाम है, यह आपके सर्विस स्थान है। रहने का एड्रेस मधुबन है। हम सभी के लिए कि हम जहां भी रहते हैं वो हमारे सेवा स्थान है, और रहने का परमानेंट एड्रेस मधुबन है। बाकी सेवा के लिए भिन्न नाम, भिन्न रूप, भिन्न भाषा, भिन्न कल्चर में गए हो। नहीं तो देखो, अगर आप वहां जन्म नहीं लेते तो भारत की बहनों को कितनी भाषाएं सीखनी पड़ती, कितनी भाषाएं सीखती। तो आप सभी सेवा के लिए गए हो, और बाप दादा ने देखा कि डबल फॉरनर्स को सेवा स्थान खोलने का शौक भी अच्छा है। फ्लैट मिला, सेंटर खोला, अच्छा है। तब तो देखो, इतने देशों में सेवा केंद्र खुले हैं। तो बाप दादा डबल विदेशियों के इस उमंग उत्साह के लिए बहुत 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 मुबारक देते हैं। थोड़े समय में सेवा अच्छी फैलाई है, तो फास्ट हुए ना। विदेश को टोटल कितने वर्ष हुए हैं? लंदन में स्थापना हुए कितने वर्ष हुए? आंसर आया 27 वर्ष। भारत में 62 वर्ष और फॉरेन के 27 वर्ष। तो बाप दादा सेवा की वृद्धि को देख खुश हैं। अभी सिर्फ एक सेवा रही हुई है। ऐसे बाप दादा छोड़ते नहीं हैं। हो गई? नहीं, और रही हुई है। बाप दादा सभी डबल विदेशियों को यही भविष्य के लिए इशारा देते हैं कि अभी अखबारों की सेवा ज्यादा करो। फॉरेन की अखबारें भारत की सेवा करेंगी। अभी थोड़ी थोड़ी कारणे अकारणे शुरू तो ही हैं, लेकिन जैसे शुरू आदि में स्थापना हुई तो फॉरेन की अखबारों में समाचार पड़ा। अभी फिर फॉरेन की अखबारों में ऐसी बातें आवे जो भारतवासियों की आंख खुले। भारत की अखबारों में तो पढ़ना शुरू हो गया है, लेकिन फॉरेन की अखबारें भी भारत को जगाएंगी। और दूसरा, ऐसा वर्ल्ड के रेडियो में आए जैसे आप लोगों ने ब्रह्मा कुमारीज का कंप्यूटर में डाला है ना, तो कोई भी जो चाहे वह देख सकता है। डाला तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी सूचना किसी को पता नहीं है। भारत में फायदा ले सकते हैं, लेकिन एडवर्टाइज नहीं हुई है। इन्वेंशन अच्छी की है। अच्छा है डबल फॉरेन में प्रकृति के साधनों का लाभ अच्छा लेते हैं। भारत में
यह बीबीसी का सब सुनते हैं, उसमें आवे, फिर देखो कितना आवाज आता है, करो कमाल, पहचान निकालो। लोकल टीवी और रेडियो में तो आपका आता ही है, लेकिन ऐसा आवाज फैले जो ना सुनने वाले भी सुन ले। अभी हर वर्ष कुछ नया तो करते हो ना, प्लान तो बनाते हो ना, मीटिंग भी बहुत करते हो, करो, खूब करो। हिम्मत बच्चों की, मदद बाप की तो है ही, सिर्फ कोई निमित्त बने। हर कार्य के लिए कोई ना कोई निमित्त बन जाता है और हो भी जाता है, क्योंकि ड्रामा में होना नूंधा हुआ है। सिर्फ समय पर कोई निमित्त बन जाता है, तो इस कार्य के लिए भी कोई निमित्त बनना ही है। बाप दादा ने ड्रिल कराई, तो हम सभी भी एक कुछ सेकंड्स के लिए हम भी ड्रिल करेंगे कि अपनी पावरफुल फरिश्ताई स्थिति में हम सभी भी ग्लोब पर स्थित हो जाते हैं, बाबा की निरंतर शक्तियों की किरणें मुझ फरिश्ते से और मुझसे होते हुए संसार की सभी आत्माओं पे। ओम शांति। अभी समय के प्रमाण आप हर निमित्त बनी हुई सदा याद और सेवा में रहने वाली आत्माओं को स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन का वाइब्रेशन पावरफुल और तीव्र गति का बढ़ाना है। चारों ओर मन का दुख और अशांति, मन की परेशानियां बहुत तीव्र गति से बढ़ रही हैं। बाप दादा को विश्व की आत्माओं के ऊपर रहम आता है, तो जितना तीव्र गति से दुख की लहर बढ़ रही है, उतना ही आप सुख के दाता के बच्चे, सुखदाता के बच्चे अपने मनसा शक्ति से, मनसा सेवा व सकाश की सेवा से, वृत्ति से चारों ओर सुख की अंचली का अनुभव कराओ। बाबा ने हम सभी को सकाश के लिए कहा है कि हमें सबको सुख की अंचली का अनुभव कराना है। बाप को तो पुकारते ही हैं, लेकिन आप पूज्य देवात्माओं को भी किसी ना किसी रूप से पुकारते रहते हैं। तो हे देवात्माएं, पूज्य आत्माएं, अपने भक्तों को सकाश दो। साइंस वाले भी सोचते हैं ऐसी इन्वेंशन निकाले जो दुख समाप्त हो जाए। साधन सुख के साथ दुख भी देता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कोई भी साधन है सुख के लिए बना है, लेकिन वो दुख भी देता है। लेकिन दुख ना हो, सिर्फ सुख की प्राप्ति हो, उसका सोचते जरूर है, लेकिन स्वयं की आत्मा में अविनाशी सुख नहीं है, तो दूसरों को कैसे दे सकते हैं। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। जब तक हमने खुद अविनाशी सुख का अनुभव नहीं किया है, तो दूसरों को कैसे दे पाएंगे। लेकिन आप सबके पास सुख का, शांति का, निस्वार्थ सच्चे प्यार का स्टॉक जमा है। जमा है, या जितना इकट्ठा करते हो उतना खर्च हो जाता है, यह भी चेक करो। चेकिंग के लिए बाबा ने बोला, जमा तो होता है, लेकिन जमा के साथ साथ खर्च भी तो नहीं हो जाता। ज्ञान के खजाने तो खर्च करने से बढ़ते हैं, कम नहीं होते। अगर बार बार अपने ही स्वभाव संस्कार व माया की तरफ से आई हुई समस्याओं में अपनी शक्तियों को यूज करते हो, तो जमा का खाता कम होता है। तो चेक करो, जमा किया लेकिन खर्च भी किया, बाकी अकाउंट कितना रहा, कमाया और खाया, ऐसा तो नहीं है। 2 दिन कमाया और 1 दिन इतना ही गंवाया, तो जमा किया हुआ भी खर्च करना पड़ा,
ऐसा अकाउंट तो नहीं है, ऐसे ही कमाया और खाया, वह अपने प्रति ही लगाकर खत्म किया। तो 21 जन के लिए जमा क्या किया? बाबा हम सभी इससे पूछ रहे हैं, चेकिंग करने को कह रहे हैं कि हमने कितना जमा किया है, या जो जमा करते हुए खाते जा रहे हैं। जमा की तो खुशी होती है, लेकिन खर्च का हिसाब नहीं निकाला तो समय पर धोखा मिल जाएगा। जमा का खाता भी देखो, लेकिन साथ साथ अपने प्रति खर्च कितना किया। दूसरे को कोई गुण दिया, शक्ति दी, ज्ञान का खजाना दिया, वह खर्च नहीं है, वह जमा के खाते में जमा होता है। लेकिन अपने प्रति समय खर्च किया तो खाता खाली हो जाता है। इसीलिए अच्छे विशाल बुद्धि से चेकिंग करो। घर का भी जो हम हिसाब किताब करते हैं, कुछ भी लेना हो तो हम पहले जमा देखते हैं, कितना जमा है उसके अकॉर्डिंग खर्चा करते हैं। तो यहाँ बाबा कह रहे हैं कि आपने कितना खर्च किया है, समय प्रति समय वो देखना है कि खाता खाली तो नहीं हो रहा है। जमा का खाता बहुत लंबा चौड़ा चाहिए, है सहज? अगर हर कदम में पदम जमा करते जाओ तो जमा का अकाउंट बहुत बड़ा हो जाएगा। तो चेक करो, फिर से चेकिंग के लिए अभी बाबा कह रहे हैं हमें कैसे जमा करना है, पदम कदम में पदम। उसके लिए बाबा कह रहे हैं चेक करो, हर कर्म व कदम ब्रह्मा बाप समान रहा, अनुभवी हो। जब कोई अच्छा कर्म करते हो तो कर्म का फल उसी समय प्रत्यक्ष रूप में खुशी, शक्ति और सफलता के कारण डबल लाइट रहते हो, क्योंकि याद रहता है बाप के साथ से कर्म किया। और अगर कोई विकर्म होता है तो उसका पश्चाताप बहुत लंबा है। वैसे अभी विकर्म तो कोई होना नहीं चाहिए, वह तो टाइम अभी बीत गया, लेकिन अभी कोई व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ कर्म, व्यर्थ बोल, व्यर्थ संबंध संपर्क भी ना हो, क्योंकि व्यर्थ संबंध संपर्क भी बहुत धोखा देता है। जैसा संग वैसा रंग लग जाता है। कल की मुरली में भी बाबा ने बताया था कि कौन सा संबंध संपर्क होना चाहिए, बाबा का हमारा अशरीरी रूप और फरिश्ताई रूप। आज बाबा बोल रहे हैं कि व्यर्थ का संबंध संपर्क हमें नहीं करना है, क्योंकि वो धोखा देता है। कई बच्चे बड़े चतुर हैं, कहते हैं हम तो संग नहीं करते, लेकिन वह मेरे को नहीं छोड़ते, मैं नहीं करती, वह नहीं छोड़ते, तो क्या किनारा करना नहीं आता? अगर कोई बुरी चीज दे तो आप लेते क्यों हो? लेने वाला नहीं लेगा तो देने वाला क्या करेगा? इसलिए व्यर्थ संबंध और संपर्क भी अकाउंट खाली कर देता है, और उसी समय अंदर दिल में आता भी है, दिल खाता है, ये करना नहीं चाहिए, करना नहीं चाहिए फिर भी कर लेते हैं, सुनना नहीं चाहिए लेकिन सुना दिया तो क्या करूं। लेकिन अगर पुरुषार्थी हो तो व्यर्थ कर्म भी ना हो, अलबेले हो तो बात ही छोड़ो, फिर तो आराम से सो जाओ, त्रेता में आ जाना। लेकिन अगर पुरुषार्थ है, हम सभी स्वर्ग के लिए पुरुषार्थ करे बाबा करे, तो उसी समय दिल में आता है, दिल खाता है कि यह नहीं करना चाहिए फिर भी कर लेते हैं, तो बाप दादा तो कहेंगे कि ऐसे बच्चों की भी कमाल है, ना चाहते भी करते रहते हैं, दिल खाता रहता है और सुनते भी रहते, करते भी रहते, तो बहुत पावरफुल आत्माएं हैं बाबा जो है हम सभी को उलाना दे रहे हैं कि इतना ना चाहते हुए भी कर लेते हैं, तो बहुत पावरफुल आत्माएं हैं। इसलिए व्यर्थ के ऊपर भी चेकिंग अटेंशन से करो। हम सभी को अपने व्यर्थ के ऊपर बाबा ने कहा चेकिंग करनी है, लेकिन अटेंशन से, वो भी अलबेले रीति से चेकिंग नहीं। हाँ कोई बात नहीं, यह तो होता ही है, यह तो चलता ही है, अभी संपूर्ण कहाँ हुए हैं, हो जाएंगे, यह अलबेलापन नहीं, करना है और तीव्र गति से करना है,
इसको कहते हैं होली मनाना। बाप दादा को बच्चों के भिन्न भिन्न खेल देख हंसी भी आती है, रहम भी आता है, और बाप दादा उस समय टच करता है, वेरी इंपॉर्टेंट बात, यह भी अनुभव करते हैं नहीं करना चाहिए, श्रीमत नहीं है, ये बाबा समान नहीं है, टच भी होता है लेकिन अलबेलापन सुला देता है, इसलिए अभी स्व के प्रति ज्यादा खर्च नहीं करो, जमा भले करो लेकिन खर्च नहीं करो, सेवा भले करो व्यर्थ खर्च नहीं करो, बहुत जमा करना है ना, डबल फॉरनर्स वैसे भी जमा करने की आदति नहीं है, संस्कार नहीं है, मिला और खर्च किया, खाओ पियो मौज करो, लेकिन इस कमाई में ऐसे नहीं करना, इसमें जमा सबसे ज्यादा करो। अव्यक्त रूप से ब्रह्मा बाप की भी डबल विदेशियों को दिल से बहुत अव्यक्त रूप से ब्रह्मा बाप भी विशेष डबल विदेशियों को दिल से बहुत प्यार करते हैं, देख देख खुश होते हैं, तो ब्रह्मा बाप के विशेष स्नेह का रिटर्न करते रहो। रिटर्न करने का साधन है अपने को टर्न करना, वेरी इंपॉर्टेंट, बाबा के स्नेह का रिटर्न है अपने को टर्न करना। डबल विदेशियों को चांस मिला है ना, खास टर्न मिला है, भारतवासियों को ऐसा टर्न नहीं मिला, डबल विदेशियों को टर्न मिला है तो विशेष हो ना, तो रिटर्न भी विशेष करना पड़े। भारतवासी खुश होते हैं, ईर्ष्या नहीं करते, आप लोगों को देखकर खुश होते हैं, देखो मधुबन वालों ने कितना त्याग किया है, मधुबन में बाप मिल रहे हैं और मधुबन वासी नीचे मेडिटेशन हॉल में बैठे हैं, तो आपको चांस दिया ना, प्यार है ना, मधुबन वालों का भी बाप दादा के पास जमा है, अभी देखो ऊपर नीचे का हो गया है, तो जो ऊपर रहते हैं वह भी मिस करते हैं और ऊपर होता है तो नीचे वाले मिस करते हैं, तो आप दोनों जगह अटेंड करते हो। तो डबल विदेशियों ने उत्तर दिया, डबल विदेशी हैं इसलिए डबल मिलता है। बाबा कहते यह विदेशी है ही नहीं, है ही मधुबन निवासी, वह तो सेवा स्थान है, जैसे भारत वाले सेवा स्थान पर गए हैं लेकिन कहते क्या है, हम मधुबन निवासी हैं, तो विदेश सेवा स्थान है बाकी है मधुबन निवासी, पसंद है ना, ठीक है ऐसे ही रहना, वहां विदेश में जाकर विदेशी नहीं हो जाना, भारतवासी रहना, मधुबन वासी। अभी काफी बदल गए हैं, पहले बहुत क्वेश्चन करते थे विदेश का कल्चर अलग है भारत का कल्चर और है, अभी यह क्वेश्चन नहीं करते, काफी परिवर्तन भी आया है, पहले जल्दी कंफ्यूज हो जाते थे अभी अचल हुए हैं। बाप दादा भी बच्चों की प्रोग्रेस देख खुश होते हैं, पहले न्यारे न्यारे लगते थे अभी बहुत प्यारे बन गए हैं, सभी देश वाले भी सुन रहे हैं, वह भी हंस रहे हैं कि हमारे में परिवर्तन आया है, जो भी सुन रहे हैं बाप दादा सभी देश वालों को हर एक बच्चे को नाम सहित विशेष होली की मुबारक, साथ में मिलन की मुबारक दे रहे हैं, सभी के लिए है, बाबा ने हर बच्चे को नाम सहित बोला है होली की मुबारक, साथ में मिलन की मुबारक दे रहे हैं, अभी नाम बोलेंगे तो रात बीत जाएगी इसलिए नाम नहीं बोलते हैं, अच्छा है। जर्मनी वालों को मुबारक है जो इन्वेंशन अच्छी निकाली है, जर्मन ने बाप दादा की एक आशा तो पूरी की है, अभी सब आशाएं पूरी नहीं की है लेकिन एक आशा पूरी की है, जर्मनी वाले हाथ उठाओ मुबारक हो, अभी जर्मनी पुरुषार्थ में भी नंबर वन इनाम लो, जर्मन वाले इनाम लेंगे बोलो हाँ या ना, कमाल करके दिखाओ, जर्मनी में बाप दादा की बहुत उम्मीदें हैं, हलचल में अचल होके दिखाओ, हलचल भी जर्मनी में ज्यादा है और अचल भी जर्मनी वाले बनो, बाबा का कहने का मतलब है जितना हलचल है रही है उतना ही हमें अचल भी बनना है, उसके लिए बाबा कहते हैं होना ही है। अच्छा दादी जी से
दादी जी की माइनर सर्जरी, एक छोटा ऑपरेशन ग्लोबल हॉस्पिटल में 15 तारीख को होना है। अशरीरी बनने का अभ्यास तो पक्का है ही, इसलिए शरीर का हिसाब सहज चुकतू हो जाता है। शक्तियां बहुत जमा है। बाप दादा मस्तक में चमकते हुए शब्दों में देख रहे हैं, बेफिक्र बादशाह। फिक्र बाप को है, आप बेफिक्र बादशाह हैं। आदि से साथी रहे हैं, तो साथी का जो भी कुछ होता है वह बाप ले लेता है। वेरी इंपॉर्टेंट बात सभी के लिए, साथी का जो भी कुछ होता है वह बाप ले लेता है। सभी की दुआएं आपके साथ हैं। दुआओं का खाता कितना है? बहुत जमा है ना। जितनों को दुआएं सारे दिन में देते हैं तो बहुत गुणा होकर मिलती है। वेरी इंपॉर्टेंट बात है हम सभी के लिए, जितनी दुआएं सारे दिन में देंगे वो बहुत गुणा होकर मिलती हैं। इसलिए देने वाले को देना नहीं है, जमा होना है। आपका स्टॉक तो सब जमा ही है, एग्जाम्पल हो, इसलिए एग्जाम्पल में भी एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने के अधिकारी हो। यह है बाप और परिवार का स्नेह। आपके हर कदम में दुआएं बिखरी हुई हैं। सभी एग्जाम्पल देखकर खुश होते हैं ना, खुश होते हो या सोचते हो? दादियां ही मिलती हैं, हम तो मिलते नहीं। दादियों को देखकर खुश होते हो? खुश होते हैं लेकिन खुद भी मिलना चाहते हैं, तो दो लड्डू खाना चाहते हैं, एक लड्डू नहीं। बहुत अच्छा, डबल फॉरनर्स ने अपना चांस अच्छा ले लिया है। होशियार हैं आपकी दादी, जानकी दादी बहुत होशियार हैं, फिर भी बहुत लकी हो। हम सभी के लिए है, बहुत लकी हो, पीछे आने वालों को इतना भी नहीं मिलेगा। अभी देखेंगे डबल फॉरनर्स क्या कमाल करते हैं। इस वर्ष में ही करना है ना, ये 99 में करना है। आंसर आया 6 मास में, इसलिए नंबर में पहला चांस फॉरनर्स को है। अच्छा, सभी ठीक हैं, अच्छी सेवा कर रही हैं। ओम शांति। अभी हम बाबा से याद प्यार लेंगे। चारों ओर की होलीएस्ट आत्माएं, सदा हाईएस्ट स्थिति में रहने वाली हाईएस्ट आत्माएं, सदा सर्व खजानों से संपन्न रिचेस्ट आत्माएं, सदा हर कदम में पदम जमा करने वाली बाप समान बनने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सदा रहम दिल क्षमा के सागर बच्चे मास्टर क्षमा करने वाली आत्माएं, विश्व की दुखी आत्माओं को सकाश द्वारा सुख शांति की अंचली देने वाली आत्माएं, हर समय अपने जमा के खाते से भरपूर रहने वाली अति तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हमारी तरफ से भी बाबा को दिल से स्नेह भरा याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। अभी 1 मिनट सभी साइलेंस में रहेंगे, फिर मुरली के पॉइंट शेयर करेंगे। ओम शांति। अभी सभी मुरली चिंतन स्टार्ट कर सकते हैं।
ओम शांति। आज बाप दादा ने खाता कैसे जमा करना चाहिए वो बताया है। ज्ञान के खजाने को तो खर्च करने से बढ़ते हैं, कम नहीं होते हैं। कमाया और खाया ऐसा तो नहीं है जो 2 दिन में कमाया और 1 दिन इतना गवाया जो जमा किया हुआ खर्च हो करना पड़ा। दूसरों को कोई गुण दिया, शक्ति दी, ज्ञान का खजाना दिया, वो खर्च नहीं है, वह जमा के खाते में जमा होता है। लेकिन अपने प्रति समय खर्च किया तो खाता खाली हो जाता है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा जितनों को दुआएं सारे दिन में देते हैं तो बहुत गुणा होकर मिलती है, इसलिए देने वाले को देना नहीं है, जमा होना है, यानी वो जमा देना ही लेना है, जमा करता है। ओम शांति। ओम शांति। बोलिए बहन जी। हाँ जी, आज बाबा ने जबकि जमा के खाते में बात किया है तो हमको सोचना पड़ेगा कि पैसे तो देख लेने से पता लग जाता है, कितना गया, कितना खर्च किए, मगर ये अपने शक्तियों के जमा का खाता कैसे पता लगेगा? कि इसके ऊपर सोचने पे हमें लगेगा कि जब परिस्थिति नहीं रहती तो हम अपने आप को एकदम भरपूर, एकदम शांत, एकदम ज्ञानी ऐसे अनुभव करते हैं। जब वही परिस्थिति आती है तो एकदम अज्ञानी की तरह बिहेव करते हैं, जैसे हमारे में न कोई गुण है, न शक्ति है, न ज्ञान है। तो इससे परिस्थितियों से हमें पता लगता है कि हमारा जमा का खाता ज्ञान का, गुण का, शक्ति का, सहयोग देने का, समाने का, ये सारी शक्तियां है ना, समाना, सहयोग देना, माफ करना, और सब कुछ जो भी है, अच्छे कर्म करना, समेटना खुद को। तो इस तरह हमें जब परिस्थिति आती है तब स्व चेकिंग करनी है कि जब भी कोई हमारे खिलाफ परिस्थिति है, जो भी व्यक्ति है, वस्तु है, वैभव है, या परिस्थिति के वातावरण, वायुमंडल जो हमारे खिलाफ का है, उस समय हम अपने आप को कितना शांत स्थिति में महसूस कर रहे हैं। इस तरह हमें अपने आप को चेकिंग करने से पता लगेगा कितना हमारा जमा का खाता है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। ओम आज बाबा ने बताया है कि स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन का वाइब्रेशन पावरफुल और तीव्र गति से बढ़ाना है। और बाबा ने कहा कि सका सेवा, मनसा सेवा, वृत्ति से, मनसा शक्ति से सुख की अंचली का अनुभव कराना है। बाबा ने आगे भी बताया कि ज्ञान का खजाना खर्च करने से बढ़ता है, कम नहीं होता है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि व्यर्थ के ऊपर भी चेकिंग अटेंशन से करो, ऑलवेल रीति से चेकिंग नहीं। हाँ कोई बात नहीं, यह तो होता ही है, यह तो चलता ही है, अभी संपूर्ण कहाँ हुए है, हो जाएंगे, यह अलबेलापन नहीं करना है, और तीव्र गति से करना है। इसको कहते हैं होली मनाना। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज बताया कि बाप दादा को विश्व की आत्माओं के ऊपर रहम आता है, तो जितना तीव्र गति से दुख ही लहर बढ़ रही है उतना ही आप सुख दाता के बच्चे बच्चे आपने मनसा शक्ति से, मनसा सेवा व सका की सेवा वृत्ति से चारों ओर सुख और अंचलि का अनुभव कराओ। ओम शांति। ओम शांति। आज बाप दादा ने कहा है कि मधुबन आपकी परमानेंट एड्रेस है, और अमेरिका, रशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कितने नाम है ये सर्विस स्थान है। नहीं तो देखो, अगर आप वो जन्म नहीं लेते तो भारत की बहनों को कितनी भाषाएं सीखनी पड़ती। तो आप सभी सेवा के लिए गए हो। ओम शांति। ओम शांति। दीदी, एक बार अभी 4-5 साल पहले हमने हमारे सेंटर पे जो मधुबन से फाइनेंस वाले जो ललित भाई हैं वो आए थे, तो
तो उन्होंने एक क्लास लिया था बहुत अच्छा कि उसमें कि हमारे जमा का खाता कैसे कैसे बढ़ता है और कैसे कैसे लीकेज हो जाता है, खर्च भी होता है। तो वो अभी आज मुरली जो ये किताब से पढ़ रहे थे तो उसमें वो पेज हमने कुछ पॉइंट्स नोट किए थे तो वो पेज रखा था। तो दीदी अगर आप परमिट करें तो वो बताएं सभी भाई बहनों को। जी अभी यही पूछने के लिए डिस्कशन में लाने वाले थे जी, जी, और तो कितना यही हम बाबा के सामने बैठे हैं, वो कागज हमारे हाथ में सामने ही है। तो जैसे भाई ने बताया, भाई जी ने बताया था कि दैनिक सेवाओं में जैसे करंट अकाउंट जमा का कैसे होता है क्या क्या और उसका लीकेज कैसे होता है। तो उन्होंने बताया था भाई जी ने कि जैसे अगर हम गुड मॉर्निंग सुबह उठते करते हैं, पहले हम बता रहे कैसे जमा होता है, तो गुड मॉर्निंग करना, फिर गुड नाइट भी करना रात में, फिर ट्रैफिक कंट्रोल, समय पे जब जब ट्रैफिक कंट्रोल है तो ट्रैफिक कंट्रोल का भी अभ्यास करना, और हाजी का पाठ पक्का करना, जैसे हमें कोई भी सेवा मिलती है तो हाजी का पाठ पक्का, फिर मन का मौन, अगर हमारा मन अंदर से शांत है तब भी हमारा जमा का खाता बढ़ता है, और हमारे मधुर बोल हैं और हम आत्म अभिमानी रह के चलते हैं तो ये दैनिक जो हमारे कार्य हैं उनमें बढ़ता है। और लीकेज कैसे होता है दैनिक में हमारा, कि अगर आलस से अलबेलापन हो गया तो निगेटिव हो जाता है खाता हमारा, कि हम अमृत वेला भूल गए, हमने नहीं किया तो वो कम होने लगता है, या फिर हमें कोई कार्य दिया हमने कार्य समय पर नहीं करा, या कार्य में भूलने भूल का स्वभाव है, या जोर जोर से हंसना, तो बाबा कहते हैं कि रूहानी मुस्कान हो, और दूसरों के दुख लेना, तो बाबा कहते हैं केयरफुल रहो कि कितनी मदद करनी है, ऐसा नहीं कि दूसरों के दुख लेके हम दुखी हो गए। फिर बताया था उन्होंने कि बहानेबाजी करना, कोई भी कार्य दिया हमने बहाना बना दिया कि चलो कट लिए, तो फिर इस तरह के उसमें भी हमारा लीकेज हो जाता है, या फिर जोश में आना, बहुत रोब में आना, तो इस तरह की भी एक्टिविटी में कम हो जाता है। फिर भाई जी ने बताया था कि सेविंग, जैसे एक जन्म तक अगर रिटर्न लेना है तो उसमें कैसे हमारा जमा का खाता बढ़ता है, जैसे दैनिक कार्य में अगर कोई नवीनता करी हमने, अपनी धारणाएं जिनके कारण ब्राह्मण परिवार की आत्माएं निर्विघ्न हो जाएं, या फिर तन की हमने बहुत हार्ड सेवा करी, या हमारा चाल चलन देवताओं जैसा, ये हमेशा हमें ध्यान रखना है कि बाबा का कैमरा हमारे ऊपर है तो हमारी हर एक्टिविटी नोट हो रही है, ये हम बेहद की शुभ भावना शुभ कामना, जैसे हमारे साथ कोई नेगेटिव कर भी रहा है तब भी हम हमेशा इनका भला हो इनका कल्याण हो, या फिर हम धन से सेवा जैसे महीने में यज्ञ में लगा दिया, या फिर यज्ञ में यज्ञ के धन की हमने बचत की, या फिर दिन भर हम सोमान में रहे, मुरली क्लास संगठन में किया, भोजन पवित्र हाथों का बना हुआ, विशेष वाचा सेवा, इन सब में बढ़ता है। और निगेटिव इन सब में कैसे होता है कि दैनिक सेवा कार्य हमने अरुचि से किए तो हमारा निगेटिव हो जाएगा, हमारे गलत व्यवहार से अन्य आत्माओं का अगर व्यर्थ संकल्प चलता है, जैसे हम अगर सेंटर पे जाते हैं हमने जूते अपने सही से नहीं रखे, फिर दूसरा आया तो उनके व्यर्थ संकल्प चले कि अरे ये कैसे रखे, या हमने गाड़ी जो सेंटर के बाहर पार्क की वो सही से नहीं, दूसरों के संकल्प अगर हमारे कार्य की वजह से निगेटिव चल रहे हैं तो उसमें भी हमारा लीकेज हो जाएगा, या हमने सेवा में लापरवाही असावधानी, जैसे कोई भी हाथ में ग्लास है वो गिरा दिया तो इसका मतलब कि हमारा योग एक्यूरेट नहीं है, या फिर हमारी चाल चलन असुरों जैसी, जैसे चलते समय जूते की आवाज हो रही, तो बाबा कहते हैं ना कि रॉयल्टी होनी चाहिए तो उसमें भी लीकेज होता है, व्यर्थ संकल्प हमारे निगेटिव असत्य बोल क्या क्यों कैसे इतना ज्यादा करते हैं तो उसमें भी निगेटिव हो जाता है, और हमने अगर यज्ञ के धन का फिजूल खर्च किया, अपने खुद के भी धन का अगर हमें वेस्ट कर दिया तब भी निगेटिव हो जाता है, या अमृत वेले हम सोए रहे मुरली क्लास में नहीं आए अपवित्र भोजन किया, तो इस तरह की हमारी जो दैनिक कार्य है उसमें निगेटिव हो जाता है। इस तरह और भी बताया था तो वो ज्यादा डिटेल में है, तो ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने जो बताया है व्यर्थ को खत्म करने के लिए, तो उसमें उससे हमारा खाता खत्म होता है, दीदी ने बताया जैसे,
तो जब हम वेस्ट जो है कम करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें बाबा के श्रीमत ध्यान रखने चाहिए कि बाबा ने कौन सा बोल बोलने के लिए बोला है। ऐसा बोल जो शुभ भावना का हो, ऐसा बोल जो किसी का उमंग उत्साह बढ़ा दे, ऐसा बोल जो मोती के समान हो, किसी को परिवर्तन कर दे, ऐसा बोल जो प्राप्तियां करा दे, ऐसा बोल कि ज्ञान रत्न ही मुंह से निकले। तो मतलब इन सब के अलावा अगर कोई भी बोल है तो वो वेस्ट है। लेकिन वेस्ट को खत्म करने के लिए पहले हमें अपने बोल पे कंट्रोल करना पड़ेगा, यानी कि मुख का मौन करना पड़ेगा। जब हम मुख का मौन करते हैं तब हम मन का मौन करते हैं और फिर मन अंतर्मुखी होता है। अंतर्मुखी यानी कि आत्मा अपनी तरफ ही देखती है, आत्मा अपने गुणों में रहती है, आत्मा अपने ही पिता से संबंधित रहती है, उन्हीं की याद में रहती है। तो जब मन मौन हो जाता है ना तो फिर संकल्प भी व्यर्थ होने कम हो जाते हैं। तो सारी बात घूम फिर कर पहले पाठ पर ही आ जाती है कि आत्मिक स्थिति आत्मिक स्मृति। जब हम हर कर्म आत्मिक स्थिति में रह के करेंगे, हर बोल आत्मिक स्थिति में रह के करेंगे, हर एक जो व्यवहार में आत्मा को आत्मिक स्थिति में देखते हुए व्यवहार में आएंगे, तभी हमारा जमा का खाता बढ़ेगा और तभी हमारा व्यर्थ खाता रुकेगा। तो जैसे कि जानकी दादी कहती थी ना, मैं कौन और मेरा कौन, तो मैं कौन में और मेरा कौन में पूरा ही हमारा सारा ज्ञान का सार आ जाता है। यही दो बातें अगर पक्की नहीं है कि मैं कौन मेरा कौन, तो फिर आप कितना भी मुरलियां पढ़ लीजिए उसमें धारणा तो नहीं होती है ना। तो पहला पाठ ये हमेशा स्मृति रहे, मैं आत्मा हूँ, चलते फिरते आत्मिक स्थिति का अभ्यास, यही वेस्ट खत्म करेगा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाप दादा ने कहा, बाप दादा मस्तक में चमकते हुए शब्दों में देख रहे हैं बेफिक्र बादशाह। फिक्र बाप को है, आप बेफिक्र बादशाह है। आदि से साथी रहे हैं, साथी का जो भी कुछ होता है वो बाप ले लेता है। सभी के दुआएं आपके साथ हैं। ओम शांति। रीमा बहन जी, सभी ने कुछ ने चैट में डाला है, आप वो शेयर कीजिएगा। जी जी, मैं उसका खींच के, फोटो खींच के मैं वो पेज जो लिखे हैं उसका मैं शेयर कर दूंगी। तो कौन से नंबर पे? इसी पे ग्रुप में है। वैसे मैं इसमें मुरली अव्यक्त मुरली ग्रुप में जुड़ी हूँ। आप अच्छा ठीक है, आप हमारे नंबर पे कर देना, मैं शेयर कर रही हूँ। आप शेयर। ओम शांति। आज बाप दादा बच्चों के भिन्न भिन्न खेल देखकर हंस रहे थे, बाबा को रहम भी आ रहा था। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात जो बाबा ने बताई कि बाप दादा जब टच करते हैं और हम अनुभव भी करते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, जो भी हम श्रीमत के खिलाफ काम करते हैं, या मीन्स एग्जाम्पल है कि किसी से बात करते हैं और फिर वो बात बहुत लंबी चलती है, सामने वाला रुकता ही नहीं है। तो अगर सामने वाला फैमिली मेंबर ही है तो उनको काट भी नहीं सकते हैं। तो बाबा कहते हैं ये बाबा समान बनना नहीं है, वो आपको पता है, श्रीमत नहीं है वो भी पता है, टच भी मैं करता हूँ लेकिन फिर अलबेलापन सुला देता है। तो बाबा कहते हैं कि अभी इसमें जमा नहीं होता है तो हमारा खर्च होता हो जाता है। तो मेरा क्वेश्चन है कि जब भी ऐसे सिचुएशन आ जाती है कि जो हमारे फैमिली मेंबर्स है उसे हम काट नहीं सकते, बातें करते हैं या तो कोई, लेकिन हम अंदर से समझते और अंदर से बाबा को याद करते रहते हैं कि बाबा इसको स्टॉप कराओ या तो टॉपिक चेंज करके हम फोन काट दे, तो क्या करना चाहिए? क्योंकि ऐसे तो किसी का अपमान भी हो सकता है और किसी को पता भी चल सकता है कि हाँ ये हमारे से बात करना नहीं चाहते हैं। ओम शांति। ओम शांति। जब ऐसी सिचुएशन आए तो हमने क्लास में सुना था कि खुद को आत्मा देखना है और उनको भी आत्मा देखना है, तो हमारे वाइब्रेशन उन तक जाएंगे और हम जो चाहते हैं वही वो बोलेंगे, ज्यादा व्यर्थ की बातें नहीं करेंगे, तो ये एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। ओम शांति। थैंक यू जी। ओम शांति। बोलिए। ऐसे सीन में ना हमें ये सदा स्मृति रखना है, जैसे भाई ने बताया कि रहम भी रखना है, वो भी कहना है कि भी वो उनको तो ज्ञान है नहीं, वो ना वो मुरली सुनते हैं ना उनको पता है। तो इस समय जो देखा गया है, ज्यादा हम काट नहीं सकते पर अपने को परिवर्तन मीन्स उनकी बात का इफेक्ट होए ना। या कई बार मैंने देखा कि कई बार हम
किसी लौकिक में फंक्शन में भी गए, ढोल भी बज रहा है, वो भी कर रहा है, तो दिल से हर टोन में दुआएं निकल रहे हैं, भला हो, इनका भी भला हो, ये भी सुखी हो, वो जो करते रहे, अगर हमारे वाइब्रेशन या हमारी थॉट पैटर्न वो नहीं हुए तो फर्क पड़ता है। और जहां तक है कि वो भाई हम इंटरेस्ट ना दिखाएं, बात को अच्छा अच्छा या इस तरीके से नहीं करेंगे तो धीरे धीरे ना सब समझ जाते हैं, क्योंकि हम रूटीन में वो देखते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो कई बातें दूसरों से करते हैं पर अपने सामने वो इस तरीके से सीन ही नहीं आते, बात ही नहीं करते, सेम पर्सन है, सेम चीजें हैं, तो इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे तो इफेक्ट नहीं आएगा, ये अनुभव कहता है। थैंक यू वेरी मच जी। बहुत अच्छा विजय भाई जी ने बताया, हम भी यही शेयर करने वाले थे कि सुनते हुए भी ना सुने, हम अगर आत्मिक स्थिति में रहे, बाबा की याद में रहे, तो उन बातों का हम पर अफेक्ट ना हो, क्योंकि संग का रंग लग जाता है। बाबा ने इसका बहुत इशारा दिया है, संबंध संपर्क जो व्यर्थ होता है उससे हमें खुद को बचाना है, खुद की सेफ्टी पहले। तो अभी समय भी हो रहा है, सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया, तो आज के लिए होमवर्क ले लेते हैं कि जैसे कि बाबा ने कहा है कि हम सबको चेकिंग करनी है व्यर्थ की, व्यर्थ का लीकेज तो नहीं है और कितना जमा हो रहा है, तो ये हमें चेक करना है। हमारी चेकिंग इसी बात पर हो कि हमारा हर कदम हर कर्म जो है वो ब्रह्मा बाप समान रहे, व्यर्थ ना जाए, जमा होता रहे। दूसरा, जो बाबा ने हम सभी का अटेंशन जो दिलाया है कि हम सभी को सभी चारों तरफ सुख शांति की अंजलि का अनुभव कराना है मनसा सकार से, तो आज हम पूरा दिन भर जो है हमारे हर कर्म से चलते फिरते जो भी कर्म करे हमारे मन से सबके लिए दुआएं निकलती रहे, मनसा सकाश होती रहे, मनसा सेवा, तो ये हम करेंगे, सुखदाता के बच्चे बनकर सबको मनसा सकाश देंगे। तो अभी समय भी हो रहा है तो हम सभी कुछ समय के लिए बाबा की याद में बैठते हैं, मनसा सकाश देंगे कुछ मिनट। सभी जहां भी बैठे हैं अपना अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करें अपने मस्तक पे चमकते हुए स्वरूप पर। मैं पवित्रता के सागर की संतान, अति पवित्र आत्मा, अशरीरी आत्मा हूं। सदा परमात्मा के संग से उनके रंग में रंगी हुई हूं। मेरे मन में एक बाबा की याद है, एक बाबा के लिए सच्चा प्रेम है, बाबा की हर श्रीमत का पालन करते हुए अपना हर कर्म हर कदम बाप समान रखने वाली मैं पुण्यात्मा हूं। मेरा हर श्वास हर सेकेंड जमा का खाता बढ़ा रहा है, मेरा हर संकल्प हर बोल हर संबंध संपर्क पवित्र है, शुद्ध है। मेरे मन में हर आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभ कामना और दुआएं हैं।
मैं आत्मा स्वयं को परमात्मा शक्तियों के रंग में रंगी हुई प्रकाश में अव्यक्त रूप में देख रही हूं। एक सेकंड में पहुंच जाती हूं अव्यक्त वतन में बाबा के पास। बाबा के कदम पर कदम रखते हुए जो बाबा का हर कदम है बाबा के वरदानों को स्वयं में भरते हुए महसूस कर रही हूं। बाबा के संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ते रूप से निकलती हुई पवित्रता की शक्ति मुझ आत्मा में भर रही है और मैं आत्मा अपना पूज्य स्वरूप लेकर भक्तों की इष्ट देवी बनकर ग्लोब पर सभी आत्माओं को सुख शांति की अंजलि दे रही हूं। सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबके मन शांत हो जाए। चारों तरफ सुख और शांति का वातावरण बन रहा है। सभी आत्माओं को मुझ मास्टर सुखदाता से सुख की अनुभूति हो रही है। अविनाशी सुख देने वाले सुखदाता बाप का परिचय मिल रहा है। दुआएं, सबको दुआएं मिल रही हैं। मेरे सम्मुख अव्यक्त बाप दादा बाबा से मुझे दुआएं मिल रही हैं। बाबा मुझे पुण्य का खाता जमा करने से बाबा की आज्ञा पर चलने से वरदानों से दुआओं से भरपूर कर रही है। मैं वापस अपने साकारी देह में स्थूल दुनिया में आ जाती हूँ। इसी भान के साथ मैं परम पूज्य आत्मा हूं, सबको दुआएं देने वाली, जमा का खाता बढ़ाने वाली, परमात्मा रंग में रंगी हुई। ओम शांति, ओम शांति।
कल फिर मिलेंगे. सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. हैव अ नाइस डे. थैंक यू. गुड डे. गुड डे ऑल तपस्वी. ओम शांति. 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 गुड डे एवरीवन. ओम शांति. हैव अ नाइस डे. शांति. गुड डे टू ऑल.